पेज के लिए फिट लुक का एंड इट्स अ फैशन यू नो इट इज या इट्स फिटनेस इट्स फैशन माइन इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ फैशन फुल हाई एंड फैशन काइंड ऑफ अ कम शूट सो या चार लोग लिए गए हैं कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद है सब लोग यही क्यों पूछ रहे हैं मुझे सब सारे अपनी चॉइस होती है नहीं अपनी एक चॉइस होती है लेकिन मुझे ना एक्सपेरिमेंट इन टर्म्स ऑफ फोटोशूट करना बहुत अच्छा लगता है और सारे जो लुक्स हैं वो सारे अलग अलग लुक्स हैं तो अपने ही कैटेगरी में देखो ऑल द फोर गुड लुक्स होनी वरना हम लोग सिलेक्ट नहीं करते ना चार क्या क्या लुक्स हैं उसके बारे में हमने वी डन लाइक अ रेड कार्पेट लुक हमने
क्लासिक शीक लुक किया है, फिर हमने बोल्ड लुक किया है, हमने लिटिल डॉल्ड अप फैशन टाइप हाई फैशन फोटोशूट भी किया, मतलब लुक भी किया, तो सब सब किया है हमने. पर्सनली एरिका को कैसे कमेंट्स मिलते हैं जब वो प्रेरणा के लुक से एक अलग अपना अंदाज जब दिखाती हैं? तो सब लोग यही बोलते हैं थैंक गॉड हमें फाइनली एरिका दिखने मिली और ना हमेशा प्रेरणा ही दिखती है. एक और बात पूछना चाहूँगी कि फिट लुक है तो फिटनेस का क्या राज है आपको? फिटनेस का राज यही है कि एक्सरसाइज करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम लोग यू नो फिट मतलब फिट दिखते हैं या मैं स्किनी हूँ तो मुझे एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए. एक्सरसाइज बेसिकली अपने बॉडी के लिए भी होता है, अपने मेंटल हेल्थ के लिए होता है, अपने मूड के लिए भी होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें चेंज होते हैं. इट प्लेज अ मेजर रोल विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो अगर आप फिट रहोगे अंदर से तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम विद इन योर डे, यू नो. तो ऐसा नहीं है कि मैं पतली हूँ तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी, मैं ज़रूर करती हूँ और सबको करना चाहिए. जो अभी आपने लुक कैरी ऑन किया है तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट हेयर स्टाइल एंड तो यस इट्स द मेसी हेयर यू नो पेंसिल टोंग करके मेसी हेयर दिया है, फुल शेरनी वाला लुक है. तो बेसिकली हाँ टोंग किया है पेंसिल टोंग से और वो पूरा वॉल्यूमिनस कर्ल्स दिए हैं. तो इट्स अ वेरी वाइल्ड नाइस लुक एंड मेसी लुक. और ये सिंगल टोन में हम गए हैं विद अ ब्रिक या मरून कह सकते हैं, लेकिन मोर ऑफ अ ब्रिक कलर. आई थिंक ये इंडियन स्किन टोन्स के लिए परफेक्ट कलर होता है एंड दैट इज़ वाई वी हैव गॉटन ऑल सिंगल टोन राइट फ्रॉम द शूज़ टू द गारमेंट.